नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सभी उपायुक्तों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों की सूक्ष्म सिंचाई एवं परिवार पहचान पत्र के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सभी उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश के हर कोने में प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार 85% सब्सिडी प्रदान कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में हर बुजुर्ग होगा रोग मुक्त। बुजुर्गों को रोग मुक्त करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह सुविधा उन बुजुर्गों को मिलेगी जो कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे में है। ऐसे बुजुर्गों से स्वास्थ्य विभाग खुद संपर्क कर उनकी सेहत का आंकलन करेगा। अगर उन्हें कंधे, कुल्ले या फिर हड्डी से जुड़ी कोई बीमारी है तो योजना से उनका उपचार करवाया जाएगा। CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह परियोजना इन दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधे एवं त्वरित रेल संपर्क के लिए क्षेत्र के लोगों की लंबित मांग पूरी करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल यमुनानगर रेल लाइन हरियाणा के लोगों को त्वरित, सुरक्षित, किफायती, आरामदायक और विश्वसनीय मोबिलिटी विकल्प प्रदान कर मूल परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 23 जुलाई से खोले जाएंगे, लेकिन कमाल की बात है कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने के बाद अब तक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा पाया है। अब की बार सरकार की योजना छात्र छात्राओं को सीधे पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के बजाय उनके खातों में पैसे डाले जाने की योजना है, लेकिन अब 21 जुलाई बीत चुकी है और पैसे भी नहीं डाले गए हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पूर्णतः चौपट होती नजर आ रही है। हालांकि शिक्षकों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था अपनाते हुए पास हो चुके सीनियर बच्चों की पाठ्य पुस्तकें मंगवाकर जूनियर बच्चों को देकर काम चलाओ रणनीति पर चलकर सिलेबस पूरा कराने की कोशिशें जारी हैं। आंकड़ों का खेल शुरू। स्कूलों को बंद करने का फरमान आया तो बढ़ने लगी बच्चों की संख्या। कहते हैं जब तक कार्रवाई नहीं की जाती तब तक कोई कार्य नहीं होता। ऐसा ही उदाहरण प्रदेश के 25 राजकीय प्राइमरी स्कूलों का है। 9 से कम पंजीकृत बच्चों वाले प्राइमरी स्कूलों को बंद करने या फिर दूसरे स्कूल के साथ शिफ्ट करने का फरमान आया तो शिक्षकों में भगदड़ मच गई। स्कूलों के बंद होने व शिक्षकों के अन्यत्र स्थानांतरित होने के भय के चलते 25 स्कूलों के शिक्षकों ने सरकार के निर्धारित 9 पंजीकृत बच्चों के आंकड़े को पार कर दिया। शिक्षकों में स्थानांतरण का भय इतना था कि हिसार के एक स्कूल ने सरकारी फरमान आने के बाद प्राइमरी स्कूल में 52 बच्चों को पंजीकृत करा दिया। विभाग के पोर्टल पर बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे 25 स्कूलों को बंद न करने का ऐलान किया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी अब महंगा हो जाएगा। पहले एक टेस्ट ड्राइव के जरिए आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता था, मगर अब इसके लिए ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन का कोर्स करना होगा। यह कोर्स करने के बाद ही लाइसेंस मिल पाएगा। नई व्यवस्था से आपकी जेब भी ढीली होगी, क्योंकि ड्राइविंग स्कूलों से 21 दिन का कोर्स पूरा करने के लिए आपको मोटी फीस का भुगतान करना होगा। अभी राज्य सरकार की ओर से यह फीस तय नहीं हो पाई है। प्रदेश में कमर्शियल वाहन बेचने वाले डीलर के लिए अच्छी खबर है। अब उनके द्वारा बेचे गए वाहनों को वे खुद ही अपने फिटनेस पासिंग सेंटर में पास कर सकेंगे। इसके लिए ग्राहकों को भी RTA के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने नई योजना के तहत डीलर से एप्लीकेशन मांगे हैं, जिसके तहत डीलर खुद फिटनेस पासिंग सेंटर चलाने की अनुमति ले सकते हैं। इससे न केवल RTA में पासिंग के लिए आने वाले वाहनों की भीड़ कम होगी, बल्कि ग्राहकों को भी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। उन्हें एक ही जगह से नए वाहन खरीदने के दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके लिए डीलर की फीस भी निर्धारित की गई है। प्रदेश को नया पुलिस प्रमुख मिलने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण और DGP की कुर्सी के लिए 4 वरिष्ठ IPS अफसरों के नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। कुर्सी पर बैठने के लिए सभी अपने अपने प्रयासों में जुटे हुए हैं। कई अफसर इच्छा पूरी करने के लिए दिल्ली दरबार तक रसूख के बल पर सिफारिश करा चुके हैं, साथ साथ में संघ के पदाधिकारियों को भी साधने की मुहिम भी चल रही है। राज्य की ओर से संघ लोक सेवा आयोग को पैनल भेजे जाने का काम पिछले सप्ताह हो गया था। अब अगले सप्ताह 3 नाम वापस आने की उम्मीद है, जिसके बाद में गेंद राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के पाले में पहुंच जाएगी।
जाएगी और किसी एक नाम पर मुहर लगाने का काम होगा। हरियाणा में डीजीपी की कुर्सी के लिए 4 नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। इन नामों में वरिष्ठ आईपीएस अफसर पीके अग्रवाल, मोहम्मद आकिल, डॉक्टर आरसी मिश्रा और शत्रुजीत कपूर में से ही नाम वापस आने की उम्मीद लगी हुई है। मुख्यमंत्री के बेहद करीब और विश्वसनीय अफसरों में शामिल शत्रुजीत कपूर का नाम अगर पैनल में वापस आता है तो यह भी तय है कि कपूर को ही कमान सौंपी जाएगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ के गांव खरमाण गांव में स्थित श्री कृष्ण गोधाम फार्म में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां पर फार्म का लेंटर गिरने से 16 दुधारू पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बहादुरगढ़ के गांव खरमाण गांव में स्थित श्री कृष्ण गोधाम फार्म में यह हादसा हुआ है। हादसे में मुर्रा नस्ल की भैंस और साहिवाल नस्ल की गायों की लेंटर के नीचे दबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बरसाती पानी की वजह से लेंटर और दीवारें गिरी हैं। वहीं मुर्रा नस्ल की 2 भैंस और साहिवाल नस्ल की 14 की मौत हो गई है, जिससे फार्म मालिक की करीब 45 से 50 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। पीड़ित ने नुकसान की भरपाई सरकार से करने की मांग की है। इसके अलावा गांव के लोगों ने बरसाती पानी की निकासी का भी उचित प्रबंध करने की मांग रखी है। गुरुग्राम में गृह मंत्री अनिल विज की बड़ी कार्रवाई, 2 एसडीओ के सस्पेंड, वहीं एक एक्शन को किया रिलीव। हरियाणा के गुरुग्राम में गृह स्वास्थ्य मंत्री ने रेड मारी है, जिसके बाद उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 2 एसडीओ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है तो वहीं एक एक्शन को रिलीव कर दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने एसडीओ राकेश शर्मा और कुलदीप यादव को सस्पेंड किया है तो वहीं एक्शन धर्मवीर मलिक को रिलीव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम नगर निगम के दफ्तर में अनिल विज ने बड़ी छापेमारी की है। सूचना है कि अनिल विज को कई दिनों से नगर निगम दफ्तर में व्यापक अनियमितताओं की सूचना मिल रही थी। आरोप है कि सस्पेंड अधिकारियों ने फर्जी पत्र लगाए थे। इस मामले में मंत्री ने एक्शन और एसडीओ पर केस दर्ज के भी आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम नगर निगम की टीम गुप्तचर विभाग यानी सीआईडी की रडार पर थी। हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के सभी छिद्र बंद करने की फुलप्रूफ योजना तैयार की है। परिवहन विभाग में आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के बाद सरकार ने टिकटों में होने वाले भ्रष्टाचार को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी बसों में ई टिकट प्रणाली आरंभ की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अधिकारी और कर्मचारी न तो डुप्लीकेट टिकट छपवाकर पैसा कमा सकेंगे और न ही यात्रा पूरी होने के बाद यात्रियों से टिकट वापस लेकर उन्हें दूसरे यात्रियों को दे सकेंगे। महाराष्ट्र के 6 से ज्यादा जिलों में बारिश से तबाही, रत्नागिरी का चिपलून शहर बाढ़ में डूबा, सड़कों पर 15 फीट पानी भरा, 6000 ट्रेनों में तो वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग घरों में फंसे। कोरोना महामारी से उबरने की कोशिश में लगा महाराष्ट्र अब मानसून की दोहरी मार से परेशान है। राज्य के कोंकण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में कोहरा मचा हुआ है। इसके साथ ही यवतमाल, ठाणे, कोल्हापुर, अकोला और मुंबई में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है। बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान रत्नागिरी जिले में देखा गया है। मुंबई से करीब 240 किलोमीटर दूर चिपलून राज्य का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। यहाँ नदियों और डैम के ओवरफ्लो होने के कारण चिपलून शहर बाढ़ के पानी में डूब गया है। यहाँ शहर और गलियों में 15 से 20 फुट तक पानी भर गया है। चिपलून बस स्टैंड में खड़ी बसों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। रत्नागिरी और रायगढ़ में पानी भरने से जहां मुंबई गोवा हाईवे बंद हो गया है, वहीं चिपलून में स्थानीय बाजार, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन सभी डूब गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई की तरह ही 23 जुलाई को भी कोंकण और गोवा में कई जगहों पर अति से अत्यधिक बरसात हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश से अति भारी बारिश और पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय आंतरिक कर्नाटक में भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। सैमसंग ने गैलेक्सी M21 2021 एडिशन लॉन्च कर दिया है। ये गैलेक्सी M21 मॉडल का अपग्रेड वर्जन है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था। फोन में 6000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा भी दिया गया है। फोन में वाटर ड्रॉप नोच डिस्प्ले दिया गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Redmi Note 10 और Realme Narzo 30 से होगा। फोन के 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 12,499 रुपए रखी गई है तो वहीं 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 14,499 रुपए है। फोन को आर्कटिक ब्लू और चारकोल ब्लैक कलर में खरीद पाएंगे। इसकी बिक्री अमेजन पर प्राइम डे सेल पर 26 जुलाई को दोपहर 12 बजे से होगी।
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई इस वक्त भयंकर गर्मी की चपेट में है। इसके दुबई शहर ने 50 डिग्री के तापमान से छुटकारा पाने के लिए टेक्नोलॉजी के सहारे बारिश कराने का फैसला किया है, क्योंकि उसे लगा कि इतनी गर्मी में वह प्रकृति के सहारे नहीं बैठ सकता। उसने कृत्रिम बारिश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और शहर के लोगों ने झमाझम बारिश का आनंद लिया। कई इलाकों में तो इस तकनीक से इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। हालांकि यह तकनीक अभी भी ट्रायल में है, लेकिन इसकी कामयाबी इसे आगे भी जारी रखने के कारण बन सकती है। इसके लिए खास तरह के ड्रोन बनाए गए हैं जो कि बादलों में इलेक्ट्रिकल चार्ज छोड़ते हैं और उसके बदले धरती पर बारिश के रिमझिम फुहारें गिरने लगती हैं। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। और अब बात आज के इतिहास की। गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को आज ही के दिन हुआ था। मोटर कंपनी फोर्ड ने आज ही के दिन 1903 में अपनी पहली कार बेची। प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 में मुंबई से हुई। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक महमूद का निधन 23 जुलाई 1932 को आज ही के दिन हुआ था। और अंत में प्रसिद्ध चित्रकार SH रजा का निधन 23 जुलाई 2016 को आज ही के दिन हुआ।